में अभी तक कई दोस्तों क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में सलामी बल्लेबाजों का काफी बड़ा रोल होता है। सलामी बल्लेबाज अगर अच्छी शुरुआत दे देते हैं तो फिर पूरी टीम का एक मोमेंटम सेट हो जाता है और फिर उसके बाद जीतने के आसार भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। इसलिए सलामी बल्लेबाजों के ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। क्रिकेट इतिहास में अभी तक कई दिग्गज सलामी बल्लेबाज हुए। ओपनिंग करने की वजह से बल्लेबाजों के पास रन बनाने के लिए काफी समय होता है। इसी वजह से ओपनर बल्लेबाज जो के रन भी ज्यादा रहे। रोहित शर्मा और वीरेंद्र सहवाग आज इतने बड़े बल्लेबाज न होते अगर सही समय पर उनको ओपनर बल्लेबाज न बनाया जाता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में भी आज हम आपको भारतीय टीम के तीन ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो अगर ओपनिंग करते तो वो काफी रन बना सकते थे। तो चलिए जानते हैं। सुरेश रैना। सुरेश रैना मध्य क्रम के जबरदस्त बल्लेबाज रहे। उन्होंने मध्य क्रम में आकर भारत के लिए कई बेहतरीन पारियां खेली। रैना ने कई मैचों में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई। सुरेश रैना ने अपने करियर में 226 वनडे मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 5,615 रन बनाए। इस दौरान रैना ने 5 शतक और 36 अर्धशतक भी लगाए। सुरेश रैना जिस तरह के बल्लेबाज थे उसे देखते हुए कह सकते हैं कि अगर वो ओपनिंग करते तो शायद काफी ज्यादा रन बना सकते थे। वो टीम को तेज शुरुआत दे सकते थे और आज उनके वनडे में बहुत रन होते और वो कई कीर्तिमान अपने नाम कर सकते थे। अंबाती रायडू। अंबाती रायडू के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है लेकिन वो उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाए। रायडू एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और अगर उन्हें ओपनिंग का मौका मिले तो वो भी बहुत रन बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें आईपीएल में देखने को मिला जब 2018 के सीजन में उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर कई जबरदस्त पारियां खेली थी। इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से भी उन्होंने एक बार ओपनिंग की थी जिसमें उन्होंने 57 रनों की पारी खेली थी। रायडू ने 55 वनडे मैच खेले जिसमें 47 की औसत से कुल 1,694 रन बनाए। वो हमेशा टीम से अंदर बाहर होते रहे। कह सकते हैं कि अगर उन्हें लगातार ओपनिंग करने का मौका मिलता तो वो आज रनों के मामले में बहुत आगे होते और शायद कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते थे। युवराज सिंह। युवराज सिंह ने वैसे तो अपने करियर में मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए कई मैच भारतीय टीम को जिताए। मिडिल ऑर्डर बैटिंग की जब बात होगी तो युवराज सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। युवराज ने मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए अपने वनडे करियर में कुल 8,701 रन बनाए। इससे पता चलता है कि वो कितने बड़े बल्लेबाज थे। हालांकि अगर युवराज को ओपनिंग का मौका मिलता तो शायद आज दुनिया के कई बड़े कीर्तिमान उनके ही नाम होते। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ओपनर के तौर पर सफल हो सकता है लेकिन रोहित शर्मा और सहवाग जैसे खिलाड़ियों का उदाहरण हमारे सामने है। यही नहीं साल 2004 में 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मोहिंदर अमरनाथ ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में युवराज के ओपनिंग करने की वकालत की थी। उन्होंने तब बयान दिया था कि युवराज और सहवाग को पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच में ओपनिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे भारतीय टीम के वो तीन खिलाड़ी जिन्हें अगर ओपनिंग का मौका मिलता तो शायद कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे।